अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये मेरी बेटी है, इसका नाम नवाज फातिमा है। ये भी ऑटिस्टिक है। मेरा बेटा भी ऑटिस्टिक था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर किया। पूरी फैमिली ने मिल के, जिसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरी जो बड़ी बेटी है मलाइका, इस वक्त वो 13 ईयर्स की है माशाल्लाह। तो हम सब ने मेहनत करके एहराम को ठीक किया। और आप उसकी वीडियोस भी देखते रहते होंगे एहराम की, जो मैं यूट्यूब पे अपने अपलोड करता रहता हूँ। अब अल्लाह पाक ने मुझे ये भी बेटी आर्टिस्टिक दी है, तो इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। जब से ये पैदा हुई है, तब से ही मुझे पता था ये आर्टिस्टिक है, क्योंकि इसका एक्सेसिव किराया था इसकी। जब हम इसके सेंसरी पे मैं काम करता था तो वो बहुत ज़्यादा किराया करती थी। जैसे सेंसरी के से मुतलक ये है कि जब मैंने इसके, जब ये एक हफ्ते की थी, तो मैं इसके नेल्स, चूँकि अब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपने ऊपर ये स्क्रैच करती थी अपने फेस के ऊपर, तो उसके नेल्स चूँकि बड़े हुए थे, मैंने जब इसके नेल्स काटने के लिए इसके लिटल फिंगर को जस्ट हल्का सा होल्ड किया ताकि मैं इसके नेल्स को काट सकूँ, तो उसके इतने सेंसरी थे कि इसने मुझे 2.5 घंटे इतना किराया किया। हालांकि मुझे काटने तो थे उसके, तो बार बार, यानी फर्स्ट जो फिंगर है, लिटल फिंगर, उसके लिए उसने 2.5 घंटे एक्सेसिव किराया किया, जिसके साथ उसके सेंसरी थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसके साथ भी इसने स्टार्ट में बहुत रोई, और जब जब भी उसके नेल्स काटते थे तो बहुत रोती थी ये, तो ताकि मैं कहता था कि नेल्स इसके बढ़ ना जाए, बढ़ेंगे तो ये स्क्रैच करके अपने आप को जख्मी कर देगी, इंजरी दे देगी अपने फेस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बार बार उसके सेंसरी पे काम करके नेल्स की कटिंग करा के, हर फिंगर अलग-अलग डिसऑर्डर होता है, जो कि जब बच्चे के नेल्स काटे जाते हैं हर फिंगर अलग-अलग डिसऑर्डर होता है। पहली फिंगर के लिए तो उसने मुझे इतना एक्सेसिव किराया दिया और इतना एग्रेशन दिया कि मुझे पूरा 2.5 घंटे लगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी फिंगर उसने हार्डली कोई 3 से 4 मिनट में बाकी नेल्स उसने तराश लिए। लेकिन जब जब भी उसके हफ्ता 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब जब बढ़ते थे उसके नेल्स, मैं जब जब भी उसको तराशता था, हालांकि थोड़े से गैप रखता था कि वो उसको चोट ना लगे, लेकिन हर दफ़ा उसने सिर्फ पकड़ने पे भी उसने इतना किराया दिया। यानी नेल तो बाद में उसने काटे, पहले 2 से 2.5 घंटे तो उसने मुझे सिर्फ, मैं उसको होल्ड करता था लिटल फिंगर को इसकी, तो ये उस पर भी किराया करती थी। और इसके क्या थे इशूज़ जब से पैदा हुई, और कि जब इसको फीडर देते थे इसके मुंह में निप्पल उसका देते थे, जो जब वो देते थे तो वो माउथ को ऐसे कर लेते थे, टाइट कर लेते, जब वो उस पर मैं कॉन्स्टेंटली टच कर रहता था उसको, उसके साथ सेंसरीज थे तो टच के, लिप्स के साथ, तो वो फिर टच करने के बाद फिर उस, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुंह में निप्पल डाल दिया, फिर वो शक नहीं करती थी, तो हम काफ़ी देर तक करते रहते थे, क्राई करती थी कि मैंने शक नहीं करना, एक्सेसिव कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी, उसके सेंसरी भी उसके अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। दूसरा, जब भी हम इसको अपनी गोद में उठाते थे तो ये बहुत रोती थी, बहुत रोती थी कि मुझे क्यों टच किया, चाहे वो माँ ने उठाया है या मैंने उठाया है, तो ये बहुत क्राई करती थी। तो उसके वो भी उसके सेंसरी थे कि मैंने बॉडी पे टच नहीं करना। जब ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, इस पर भी काम हो गया, फिर इसकी जब सिटिंग पे कराया गया, 6 मंथ्स की थी, इसकी सिटिंग पे कराया गया, यानी मेरी गोद में बैठे तो ये अपनी बॉडी को ऐसे खड़ा लेती थी, और उसके लिए भी मुझे घंटा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा उस पर काम करना पड़ता था, उसको जो है उसकी लेग्स को फोल्ड करना पड़ता था, जो गोद में या वैसे भी वो बैठती अपनी मर्जी से, तो थोड़ी देर के लिए कभी बैठती थी तो बैठती थी, अदरवाइज वो भी नहीं बैठती थी। तो बार बार उसको कराया गया, पहले गोद में बिठाया गया तो अपनी बॉडी को अकड़ा लेती थी, जब वो अच्छा हुआ तो फिर उसके बाद इसके जो क्रॉल है उस पर भी काम किया, तो ये पाँव नहीं मारती थी, हिलाती थी, तो उसके ऊपर दुपट्टा देते देते मैं उसके फेस पे ऐसे हल्का सा दुपट्टा, ताकि वो उसको हाथों से ऐसे ऐसे करके उसको हटाए, तो उसको हाथ चलाने आने चाहिए, तो वो हाथ चलाने वाले पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, तो फिर क्रॉलिंग पे इसके काम किया, फिर इंडिपेंडेंटली इसकी सीटिंग पे काम किया, फिर इसके इंडिपेंडेंटली आइडल स्टैंडिंग पे काम किया कि खुद से खड़ी हो जाए। अभी तो खैर इसकी ना आइडल सीटिंग है ना आइडल स्टैंडिंग, अपनी मर्जी से बैठती है, अपनी मर्जी से ठहरती है, लेकिन इसे कराया गया ताकि मैं चाहता था कि जब तक ये वॉक ना कर ले तब तक हम इस बच्चे को हम कोई थेरेपीज वगैरह इसको जब भी हम सिखाते हैं हम पहले कहते हैं खुद अपनी मर्जी से तो पहले करें, उसके बाद हम कंप्लाइंस कराते हैं। ध्यान रखें, मुझसे बहुत से पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि आर्टिस्टिक बच्चों के कब थेरेपीज देनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे रूटीन में तो 2.5-3 साल में स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से आप उसकी ए बी ए थेरेपी करना शुरू कर दें। ए बी ए थेरेपी वाहिद ऐसी थेरेपी है जो पैदाइश से लेके मरने तक हम सब इंसानों को चाहिए होती है, उसके लिए कोई ऑटिस्टिक बच्चों को नहीं, नॉर्मल इंसानों को भी ए बी ए थेरेपी की बिहेवियर पे काम करना चाहिए।
तो उस पे इसका जो फीडर को होल्ड करना है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने इसको सिखाया जब ये 2-3 हफ्ते की थी, ताकि अपने छोटा सा फीडर जैसे ये फीडर है उसमें एक औंस डालते थे तो वो भी उसको होल्ड करना आना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करते थे, उसके बिहेवियर भी काम करते थे। अभी ये नॉन वर्बल है, इसको 1.5 साल की है अभी तक इस पे, यानी वर्ड वगैरह अपनी मर्जी से तो चंद वर्ड्स बोलती है और जब कभी कभी नीड होती है, लेकिन हमें लिमिटेशन में नहीं बोलती, चूँकि अभी तक इस पे मेरे पास इतना, चूँकि मैं इस पे टाइम निकाल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये आइडल सिटिंग भी करेगी, आइडल स्टैंडिंग भी करेगी, आइडल वॉकिंग भी करेगी। इंस्ट्रक्शंस को हम उसको रोकते रहते हैं हर चीज़ के सही लिए, और जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको मोटिवेट करके अप्रिशिएट भी करते हैं। बच्चा पैदा हो जाए तो पेरेंट्स को ज़रा हर वक्त उसको ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, तो तब से ही आप अगर थेरेपी, एबीए थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे काम करने लग जाएं तो बच्चे काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं। जब इसका आई कॉन्टैक्ट पे, जब 6 मंथ्स की थी, इस पे जब काम किया, इसको मैट्रेस पे लिटाया, आप बिलीव करें मैंने इसको कोई टच कुछ भी नहीं किया, मैट्रेस पे लिटा के जिस तरफ ये देखती थी मैं उस तरफ इसका अपना फेस कर लेता था, कोई इसको टच नहीं था, कोई वर्बल इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, तो इसने इतना कराया किया कि मेरी आंखों में क्यों देख रहे हो, मेरी आंखों में क्यों देख रहे हो, इसने शदीद कराया। और उस पर भी बार 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 काम किया है, तो अब बिट्स में करके तो देख लेती है आई कॉन्टैक्ट, लेकिन कॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट समटाइम्स देती है तो समटाइम्स नहीं देती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। लेकिन इस पर भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, 24 घंटे इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह निकालेंगे। जैसे अहराम के लिए हमने उसको रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको इम्प्रूव को रिकवर कर लिया, इंशाल्लाह ये भी मेरी बेटी रिकवर और इम्प्रूव होगी, और इसके बारे में मैं वीडियोस साथ साथ देता रहूँगा। तो आज इसकी पहली वीडियो है माशाल्लाह, आपने इसकी जब ये इसकी बर्थडे थी 1 साल की थी तभी मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी, जिसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें भी मैंने इसके हाथ पे कॉन्स्टेंटली टच किया था कि ताकि ये भाग ना जाए, ताकि चूँकि एस्केप करती है हर वक्त स्विमिंग करती है। अच्छा, इसके टिपटो वॉकिंग बहुत ज़्यादा है, उस पर भी अभी बाद में काम होगा प्रॉपरली, इस पर काम जब अब मैं इंशाल्लाह कराऊंगा, आज पहला दिन है इसका, तो उसकी साथ साथ मैं वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँगा। हम आर्टिस्टिक बच्चों को पहले दिन से ही, जब से समझे पैदा हुआ है तब से ही हम उसके ऊपर, चाहे वो आर्टिस्टिक है या नॉर्मल बच्चे, हमने उसके ऊपर काम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी थेरेपी सबको, ये तो हम सबको, मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। तो बाकी जैसे जैसे उसके बिहेवियर और उस पर ऑक्यूपेशनल में काम होता रहता है तो उस बच्चे का फोकस बढ़ता है, फोकस बढ़ता है तो हम उसको बाकी स्पीच और बाकी वर्ड्स भी करा सकते हैं। इस उम्र में जब, चूँकि मार्शल आर्ट 1.5 साल की है, 1.5 साल की उम्र में बच्चे का कम से कम 50-80 वर्ड्स उसको बोल लेने चाहिए, लेकिन ये अभी तक एक वर्ड भी हमारी इमिटेशन में नहीं बोलती। लेकिन कंप्लाइंस में माशाल्लाह इसको बहुत सारी चीज़ों में हम उसको करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कंप्लाइंस में करती है, जिसका इस दवा ये देखें माशाल्लाह ये फीडर से दूध पी लिया, जैसे ये दूध पी लेगी तो आज इसका पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइडल सेटिंग कैसे कराते हैं, जो मैं अपनी बेटे की भी वीडियो भी दिखा चुका हूँ, लेकिन वो तो माशाल्लाह रिकवर होने के बाद कराया था। इसको हम साथ साथ इसकी भी वीडियोज़ आती रहेंगी, इसकी भी आइडल सिटिंग, फिर आइडल स्टैंडिंग, फिर आइडल वॉकिंग, फिर आइडल सिटिंग के साथ सेंसरी पे काम, स्टीमिंग पे काम, फिर आइडल स्टैंडिंग के साथ स्टीमिंग पे काम, फिर आइडल वॉकिंग के साथ स्टीमिंग पे काम, फिर सेंसरी पे काम किया जाएगा टच के, सिटिंग के साथ और फिर स्टैंडिंग के साथ भी सेंसरी पे और वॉकिंग के साथ भी सेंसरी पे। इंशाल्लाह ये सारी तरतीब मैं लेक्चर नंबर 50 में भी पहले बता चुका हूँ, उस पर अगर आप उस तरतीब से काम करेंगे तो बच्चे के बिहेवियर पे काम कर पाएंगे। इसका भी हक बनता है कि इसको उसी तरह से ही रिकवर किया जाए, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकवर किया जाए, जैसे हमने अहराम का किया था। इंशाल्लाह आप भी इसकी वीडियोस देखेंगे और दुआओं में भी याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कैसे कैसे बच्चे रिकवर हो सकते हैं। ये बच्चे अगर पेरेंट्स की विल हो, अगर पेरेंट्स के अंदर स्टेमिना हो, ये बहुत कराया करती थी, एक्सरसाइज कराती थी, अब ये देखें माशाल्लाह फीडर को अपने हाथ से पकड़ के वीडियो बनना, ये पकड़ना तक भी नहीं चाहते थे किसी को। जब मुझे खुद याद है, जब मैं इसको 2-3 हफ्ते की थी, जब मैंने इसको छोटा सा फीडर इसके हाथ अपने हाथ से इसके हाथ में होल्ड करके, यानी कॉन्स्टेंट मेरा टच था ऐसे करके तो करता था, तो इतना ट्राई करती कि भाई तुमने मेरे हाथों को साथ फीडर को क्यों टच कराया, हमारे अपने टच को ये बहुत ज़्यादा क्राई करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये माशाल्लाह ना सिर्फ बल्कि बैठती है, बल्कि भागती दौड़ती है, सब कुछ करती है। अभी तो ये मेरी गोद में ऐसे आती भी नहीं थी, 6-6 महीने की हो गई थी, हम इसको बार बार जब से पैदा हुई है तब से काम करें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये काम नस के हफ्ते के साथ साथ वो अपने फिंगर्स के साथ वो स्टिमिंग करें, कोई बात नहीं, वो उस पर हम तरतीब में जब काम करेंगे तो वो बाद में आएगा। हमसे गलती हुई हो जाती है, जो आर्टिस्टिक बच्चे मेरे पास कई आते रहे हैं, ऐसे बच्चे जो 10-10 साल के हो गए थे, वो बैठ तक भी नहीं सकते थे, चूँकि उनको बिठाया नहीं गया, वो सीपी पे पेशेंट भी नहीं थे, सिर्फ वो आर्टिस्टिक थे, चूँकि उनको जब जब उनको माँ ने शुरू में 6 मंथ्स में बिठाने की कोशिश की होगी, जिन जो बच्चे मेरे पास आते रहे
तो वो जब उसमें एक्सेसिव कराए चुके बच्चे देते थे तो माँ उनको बिठा नहीं पाती थी, ठहरा भी नहीं पाती थी, क्रॉल भी नहीं कर पाती थी। तो वो आज भी दोनों 10-10 साल के हो गए हैं। कई बच्चे मेरे पास इस तरह के आए हैं जो बिल्कुल समझे बेड पे होते हैं हर वक्त, ना वो वॉशरूम जा सकते हैं, ना वो ठहर सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो बेड पे बैठ सकते हैं। अगर हम इन पे शुरू से ही मेहनत करें, जब से बच्चे पैदा हुए हैं, पेरेंट्स को पता होता है, उनको रेड फ्लैग मिल रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि मेरे बच्चे में ये इश्यूज हैं, अगर आप उस पर काम करते रहें, उसके किराए को इग्नोर करें, स्टार्ट में बच्चे किराए करते हैं, वो एज ए रिस्पॉन्स हम उससे करवा भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसके टेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ टॉयज वगैरह दे के भी शुरू में उसका किराए को जो उनका रेपिटेटिव है उसको हम खत्म करा सकते हैं। लेकिन जब जब भी हम कोई चीज़ बच्चों को सिखाएंगे, ये बहुत किराए करेंगे। मेरी बेटी भी बहुत किराए करती थी, ये अब अलहमदिल्ला इस काबिल हो गई है, देखिए माशाल्लाह कि मैं इसे गोद में उठाया हुआ है तो अलहमदिल्ला ये अच्छा जो है ना स्मूथ मुझे बिहेवियर दे रही है। और किसी के समय भी मैं इसे आइडल सेटिंग कराऊंगा, पहले अगर दूध पी ले तो फिर आप ज़रा देखेगा इसे शुरू में किराए भी करेंगे, उसके बाद उसका किराए इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा। आज पहला दिन है इसका आइडल सेटिंग, अपनी मर्जी से तो सेटिंग करती है ये, हमारी मर्जी से भी करती है लेकिन चंद सेकंड के लिए करती है, लेकिन हमने इसको बार बार करके बिठाना है फिजिकल प्रॉम्प्ट के जरिए, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं देना, कोई वर्बल उसके साथ नहीं बोलना, सिर्फ फिजिकल प्रॉम्प्ट के जरिए उसकी तरफ आइज भी नहीं करनी। तो इस तरह से हम बिठाएंगे तो इंशाल्लाह ये बैठ जाएगी। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये फीडर से जो है दूध पी लेगी तो फिर मैं इसकी आइडल सेटिंग कराऊंगा, ताकि ये और इसी के साथ भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करेगी, मैं चाहता हूँ ये फीडर से जितना पी सकती है वो पिए, और साथ में आपको दिखाना भी चाहता हूँ, ये माशाल्लाह भागती दौड़ती भी है, इसकी स्टैंडिंग पे, इसके वॉकिंग पे स्टार्ट में हमने काम किया था कि अगर हम शुरू से ही इसके मैं इसके आइडल सेटिंग कराता या अगर ये खुद से ठहर ना सकती, खुद से भाग ना सकती, तो ये सारी ज़िंदगी फिर वो बैठी रहती, वो ठहर ना पाती। तो हम मैंने इसकी क्रॉलिंग पे भी काम किया अलहमदिल्ला, सिटिंग पे भी काम किया, इसकी वॉकिंग पे भी काम किया है, लेकिन इसकी मर्जी से भी ये वॉक करती है। अभी हमारी इंस्ट्रक्शन पे भी मैंने उसके पैटर्न डालने हैं, आइडल सिटिंग के भी, आइडल स्टैंडिंग के भी, और आइडल वॉकिंग के भी, और सेंसरी के साथ भी उसको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा तो मैं करता रहा, प्रॉपरली इसमें इंशाल्लाह काम किया जाएगा, जिसकी मैं साथ साथ वीडियोज़ भी देता रहूँगा। पेरेंट्स परेशान ना हों, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को उसके, यानी जब तक वो ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एबीए थेरेपी और डाइट प्लान फॉलो नहीं कर लेते, सीख नहीं लेते थेरेपीज, तब तक ये बच्चे इंप्रूव और रिकवर नहीं होते। इसलिए खूब मेहनत करें। मेरे भी दो बच्चे आर्टिस्टिक हैं, एक को मैंने रिकवर कर लिया, दूसरा है, तो कोई बात नहीं, मैं इस पर काम करता रहूँगा, चूँकि मुझे काम आता है। आपने भी ये काम इसी अंदाज से सीखना है, अगर आप सीखेंगे तो आपको ये अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अब सर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये वॉक कैसे करती है, भागती दौड़ती कैसे है, माशाल्लाह अपनी मर्जी से। मीटर भी मुंह में रखा हुआ है, देखिए मैंने इसको छोड़ भी दिया, अब देखिए मुझसे जैसे छोड़ा उसका ऑब्सेशन था मेरा कि मैं उसको भी उठाऊंगा, मैं उसको अब देखिए थोड़ा सी वो कराई किया उसने, देखिए मीटर उसके बाद थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चुप कैसे, यानी ये वॉक कैसे करती है, देखिए ये वॉक करते करते मुख्य वो ये जा रही है माशाल्लाह, और साथ फीटर से दूध भी, और थोड़ी देर बाद उसकी जो किराया है वो ख़त्म भी हो गया अलहमदिल्ला। यानी इसके वॉक और किराए पे जहन रखें, जब भी आर्टिस्टिक बच्चों के पे काम करें डायरेक्टली उसके आइडल सीटिंग पे काम ना करें, ना आइडल स्टैंडिंग पे, ना आइडल वॉकिंग में, पहले उसको पैदा होने के बाद साल तक जब वो खुद से जब तक चल नहीं लेती, जब तक वो खुद से ठहर नहीं लेती, खुद से बैठ नहीं जाती, तब तक आप उसकी आइडल सीटिंग, आइडल स्टैंडिंग, आइडल वॉकिंग पे काम ना करें। आप उसके पहले इस पे काम करें कि उसको सीटिंग आनी चाहिए, बेशक वो अपनी मर्जी से भी सीटिंग करें। देखो उससे चीज़ें वो छेड़ भी रही है माशाल्लाह, और साथ उसके मुंह में फीडर भी है, जितनी उसको आड़ थी माशाल्लाह उसने सारा फीडर पी लिया, थोड़ा सा आवाज़ रहता है वो बस उसको खेल खेल में बस वो मुँह में डाला, वो उसने वो पी ही नहीं है, चूँकि फीडर बिल्कुल आपने देखा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ नहीं किया हुआ इसने मुसलसल, जितना उसने आज की अर्थ थी उसने पी लिया। अब देखो वो मुख्तलिफ जो टॉयज वगैरह हैं वो साथ साथ वो उठा रही है, खेल रही है, इस पर सारा हमने अलहमदिल्ला जब तक, अगर मैं इसको सीटिंग इसकी मर्जी की ना कराता जिसमें वो अपनी मर्जी से बैठे, अपनी मर्जी से चले, अपनी मर्जी से वॉक करे, जिसमें मुझे उसको पहले ऑक्यूपेशन थेरेपी पर काम करना पड़ा जब से ये पैदा हुई अलहमदिल्ला, लेकिन अगर मैं ये ना काम कराता तो ये आज ये डायरेक्टली मैं उसके आइडल सीटिंग में काम करने लग जाता, अपनी कंप्लायंस में करने लग जाता, तो वो फिर ये जो वॉक ना कर पाती, ठहर ना पाती। तो इसलिए बच्चे का खुद से भी काम, सबसे पहले जब हम बच्चा जब पैदा होता है तो उसको खुद से भी काम करने दें, और अपने इंस्ट्रक्शन पे भी कराएं, खुद से भी करें अपनी इंस्ट्रक्शन, बाद में आपने ऑल टाइम अपनी इंस्ट्रक्शन पे। आप इसकी अलहमदिल्ला एज ऐसी हो गई है 1.5 साल की है, मैं तो कहता हूँ स्टार्ट से ही शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैंने इसको अलहमदिल्ला हमने मेहनत की इस काबिल हो गई है कि कम अज़ कम नॉन वर्बल है,
बाद में प्रॉब्लम भी हो जाएगी, एक्सेसिव इसका किराया बहुत है जब उसको काम करते हैं तो वो भी आप देखेंगे, बच्चा किराए करे परेशान ना हो, वो उसका किराया खत्म भी हो जाएगा। अब देखिए खुद से उसने टॉयज निकाले हैं ड्रॉअर में से और उससे खुद से खेल भी है, शुरू में मैंने जब उसको उतारा तो थोड़ी सी रोई, चुको उसको उठाने के साथ भी ऑब्सेशन है उसको, इस तरह का भी ऑब्सेशन कि मैं बाहर मुझे कोई भी शख्स उठा के ले जाए, वो अननोन बंदा भी इसको इतना ऑब्सेशन है इसके साथ कि कोई गैर बंदा कोई स्ट्रेंजर बंदा भी इसको उठा के अगर ले जाए तो ये उसके साथ हैप्पी है। हालांकि नॉर्मल बच्चों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं मेन स्ट्रीम वाले होते हैं उनको ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको क्राई करना चाहिए क्योंकि उनको माँ बाप से ऑब्सेशन कोई और क्यों उठा के उसको ले के जाए, कोई भी स्ट्रेंजर इसको अगर उठा के ले जाता है इसको उठाने के साथ इतना ऑब्सेशन है और बाहर के जाने के साथ इतना ऑब्सेशन है ये उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि तैयार उसको नहीं होना चाहिए, उसको अपने माँ बाप की के साथ वो अटैचमेंट होनी चाहिए कि नहीं मेरे माँ बाप के बगैर मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्यों लेके जा रही है, स्ट्रेंजर ने मुझे उठा कैसे लिया, लेकिन ये हैप्पीली हैप्पीली जाती है। तो इस तरह के ये भी बिहेवियर हमने, ये इसका रेपिटेटिव बिहेवियर है जिसको हमने रेंडमाइज करना है इंशाल्लाह, जब इसके प्रॉपरली इसके एक ही डिसऑर्डर पे काम किया जाएगा तो इंशाल्लाह ये काम करके देगा। मुंह में फीडर का निपल जरूर उसने दिया हुआ है लेकिन वो पी रही नहीं है उसको प्रॉपरली। अब ये जब स्टार्ट में हम इसको बच्चों को जब सिटिंग कराते हैं, हम सिटिंग विद टॉय कराते हैं, अब मैं इसको पहले सिटिंग विद टॉय कराऊंगा, ऐसे ही ड्रॉअर के जितने भी टॉयज हैं इसी को दे के इसको चेयर पे बिठा दूंगा कि भाई अगर तुमने खेलना तो बैठ के खेलो और मेरी इंस्ट्रक्शन पे खेलो, शुरू में वो क्राई करेगी बाद में क्राई खत्म हो जाएगा, लेकिन जब उसको हमने आइडल स्टैंडिंग सिटिंग करानी है फिर हमने टॉय नहीं देने इसको। अब देखिए वो अपनी मर्जी, देखिए साथ वाली चेयर पे वो बैठ भी गई है अपनी मर्जी से, माशाल्लाह इस पे हमने काम किया है कि अपनी मर्जी से तो पहले करे ना, फिर हम इसको ऑल टाइम अपनी इंस्ट्रक्शन पे ही काम कराएंगे तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन पे वो भी फॉलो करेगी, चाहे वो आइडल सिटिंग किया तक है, आइडल स्टैंडिंग किया तक है, आइडल वॉकिंग किया तक। अब देखिए माशाल्लाह जब ये अच्छा करने लगे, अब मैंने क्या किया, ये मैंने ये उठाया और ये मैंने सारा उठा के मैंने इसको चुप करके उठा के अब मैं इसकी आइडल सिटिंग पे काम सिटिंग के टॉय पे काम कर रहा हूँ ताकि ये बैठे इधर और इसको टॉय मिल जाए। मैं साथ अब ये बैठ के कोई बर्बल ना दें कुछ भी ना दें, ये अब सिटिंग के टॉय का चला। अब ये सिटिंग मैंने इसके सामने टॉयज भी सारे रख दिए थे जिस चीज के साथ बेशक ये खेले बेशक खेले लेकिन बैठ ही रहे। थोड़ी देर पहले इसका जरा कराया था जब मैंने इसको इसको भूख भी थी तो इसलिए मैंने इसको फीडर वगैरह दे दिया था। अब देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करके बैठी, मैं कहता हूँ टॉयज के साथ खेलो, अपना घर है, अपने घर में जिस कमरे में आप बिठाएं उसको फेमिलियर होना चाहिए, डेढ़ साल से इसी घर में रह रही है जब से माशाल्लाह पैदा हुई है तो उसको फेमिलियर होना चाहिए। मैं कभी कमरे में अकेले भी बैठूंगी, कभी मैं किसी के साथ बैठूंगा, अभी इसको मैंने क्या किया टॉयज के साथ रख दिए, इसको हम कहते हैं सिटिंग विद टॉय। हाइट वाली चेयर पे बिठाया ताकि जब ये थोड़ा सा उतरने की कुछ भी कोशिश करेगी मैं उसको बिठा दूंगा और जो चीज उसे गिर रही है वो मैं उसको समटाइम उठा के दूंगा समटाइम नहीं उठा के दूंगा, और कोशिश मेरी एंड में यही हुई कि मैं उसको ना ही उठा के दूंगी, तो उसको फेंकती अगर वो फेंकेगी तो फिर मैं उसको नहीं उठा के दूंगा, वो मेरी पे जब सारे टॉयज नीचे गिर जाएंगे समझे मेरी आइडल सेटिंग पे काम शुरू हो जाएगा। अभी वो देखिए दूसरा टॉय गिराया तीसरा गिराया, अगर ये गिराएगी मैं उसको उठा के नहीं दूंगा फिर मैं उसकी आइडल सेटिंग पे काम शुरू हो जाएगा। पर इस हद तक टॉयज के साथ काम करना है, हम क्या करते हैं बच्चों को जब टॉयज के साथ बिठा रहे हैं इतना टॉय के साथ बिठाते हैं कि फिर हम आइडल सेटिंग नहीं कराते, और जब आइडल सेटिंग कराते हैं तो फिर हम उसको टॉय नहीं देते, सॉरी टॉय दे देते हैं उसको। यानी जब अभी सारे गिरा दे इसका ये रेपिटेटिव बना हुआ है, जब मैं उसके पहले भी ये गिराती थी कि हर चीज को मैं फेंकूं उसके बाद मैं उसको दूंगा नहीं, जब ये सारी टॉयज खत्म हो जाएंगे फीडर इसके मुंह में है वो भी एज ए टॉय यूज हो रहा है उसके लिए, वो अभी पी नहीं है उसको, आज खत्म हो गई है, बाद में मैं इसे फीडर दूंगा। अभी वो चाहे जिस चीज को अपने साथ रखती है बेशक उसके साथ खेले और जिस चीज को फेंकना देखे जू ही वो उतरने की थोड़ी सी कोशिश करती है टर्न करने के लिए मैंने उसको फिर से बिठा दिया, हल्का सा भी टर्न करे आपने उसको बिठा दिया। आज इसका फर्स्ट डे है प्रॉपरली इसकी सेटिंग बनना, हमारी उसमें भी सेटिंग कर लेती थी कि अपनी मर्जी से भी चलाती थी और हमारी इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करती थी। हमने ऑटिस्टिक बच्चे को स्टार्ट में ऑल टाइम अपने इंस्ट्रक्शंस पे काम करवाना, उसके बाद फिर हम उसको उसकी मर्जी से भी चला, जब हम उसके कंप्लायंस की फेयरनेस करते हैं जिसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, उसमें हम उसकी मर्जी से भी उसको काम करने देते हैं और अपनी मर्जी से भी कराते हैं। स्टार्ट में हम उसको चूंकि अभी लेकिन पैदाइश से जब तक वो वॉक और क्रॉल और जब तक स्टैंडिंग निकल लेती है अपनी मर्जी से तब तो हम उसको करने देते हैं, उसके बाद जब हम प्रॉपरली थेरेपी पे जाए, आज इसका प्रॉपरली डेढ़ साल के बाद थेरेपी पे इसको दी जा रही है, इसको आइडल सिटी में टॉय कराया जा रहा है, इसमें हम ऑल टाइम इसको टॉयज के साथ बिठाएंगे, जैसे अगर ये टॉयज फेंक दिए मैंने फिर वापस नहीं रखने, मैंने फिर मेरी आइडल सिटिंग शुरू हो जाएगी और आइडल सिटिंग में उसकी एक चेयर दूसरी चेयर तीसरी चेयर देखिए इसने इसको भी फेंक दिया, जिस जिस चीज को चाहती है मैं फेंकू और मैं दोबारा से इसको उठा दूँ मैं उसको उठा दूंगा। अब ये आखिरी इसका टॉय जब ये गिराएगी सारे गिरा चुके, एक फीडर है और एक
टॉर्च है इसके हाथ में, अगर ये भी इसने गिरा दिया तो उसके बाद इसकी आइडियल सिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ा सा भी ये उतरने की कोशिश करके तो मैं उसको फिर से पहले ही मैं इस तरह से बैठ भी नहीं पाता। ये तो उस पे चूंकि पार्शल पार्शल काम हुआ, अब प्रॉपरली तौर पर इस पे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो इसलिए आप हर एज में बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएटली जो एज है वो यही है कि आप साल से ऊपर की डेढ़ साल की तो आप कराना थेरेपी स्टार्ट कर दें, लेकिन उससे पहले आप उसको देखें जब तक वो खेल रही है मुझे कोई इशू नहीं है। जब वो गिराएगी बाकी सारी चीजों को उसने गिरा दिया है, इसको भी जब इसके साथ उसकी ऑब्सेशन इसको जिस टाइम ये गिरा देगी, नहीं गिराएगी तो थोड़ी देर बाद मैं इसे ले भी लूंगा, लेकिन अभी मैं कहता हूँ उसको सिटिंग विथड्रॉय ताकि आपको पता चल जाए कि सिटिंग विथड्रॉय भी कैसे करा। मैं सिटिंग विथड्रॉय के साथ मैं थोड़ा सा डिस्टेंस भी फेड करूंगा, मेरे डिस्टेंस दूर के साथ भी मुझे भी जरा दिखा दें, और उसके बाद जो हल्का सा भी इधर से उधर टर्न करिए तो मैंने उसको क्या किया पीछे, कोई वर्बल ना बोले, कोई आई कॉन्टेक्ट ना दें, सिर्फ फिजिकल फेस भी इसकी तरफ ना हो बच्चे की तरफ, इस अंदाज में उसको थोड़ा सा भी उसने फोल्ड किया तो मैंने उसको क्या किया उसको लेफ्ट को छोड़ देगी तो ठीक है, नहीं छोड़ेगी तो थोड़ी देर बाद में इस पे भी काम करूंगा। अब मैं अपना डिस्टेंस, अब मैं इसी के साथ फर्स्ट डे है इसका सिटिंग विद ट्रॉय का, जितना अर्ली इंटरवेंशन करेंगे जितना जल्दी सिखाएंगे ये बच्चे जल्दी आते हैं। उसने टॉर्च भी फेंक दिया, नीचे दिखाएगा टॉर्च फेंक भी दिया, हल्का सा भी वो इस तरह से करेगी तो मैं उसको उतरने की कोशिश करेगी, थोड़ी सी भी मूवमेंट दे आप उसको सेट कर दे। अब देखो उसने उस पर करके थोड़ा सा ट्राई करे, कोई बात नहीं। अब देखो फीडर को भी ऐसे करके दे रही है, मैंने उसे फीडर ले भी लिया कि अगर वो देना चाह रही है मैंने उसे ले लिया, जैसे उसे ले लिया अब ये क्या हो गया कि भाई उसने जितना पीना था उसकी जो अर्ज थी उसकी जो भूख थी वो खत्म कर लिया। अब उसकी सीट अभी इसको कहते हैं आइडियल। अब हम यहाँ पे ये गलती पेरेंट्स कर लेते हैं और उसको साथ साथ ट्राई दे रहे हो जाते हैं, क्योंकि जब उसने ट्राई सारे गिरा दिए हैं, मैंने तो उसको सारे दिए थे, उसे स्केप में गिराया गिराया, अब उसके आइडल्स आई उसकी ये इसको कहते हैं आइडल्स सिटिंग। इसके बाद मैंने अब ट्राई दी थी ना, अगर मैं इसको ट्राई दिया तो एक तरफ हम उसको सिटिंग में ट्राई करा रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम उसको आइडल सिटिंग भी करा रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है स्टार्ट में पैटर्न डालने के लिए, पहले अच्छी वाली सिटिंग में ड्रॉय होता है, जैसे बच्चा स्ट्राइक करा लेता है फिर हम उसको देखो माशाल्लाह उसके साथ थोड़ा सा वो खेली थोड़ा सा चुप हुई और उसके बाद फिर से क्रैक करके छोड़ दिया। ये अब इसकी आइडल सेटिंग है, अब इसकी आइडल सेटिंग के लिए अब चाहिए अच्छा थोड़ी देर अगर ये पाउंड को इधर उधर करते कोई बात नहीं, लेकिन उतरने नहीं दूंगा और वर्बल भी नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर ये किया है कि अब मैं भी मौजूद हूँ मदर भी मौजूद है, क्योंकि इसको हमारे साथ ऑब्सेशन भी है कि बार बार मुझे उठाए मुझे छोड़ दें मुझे उठाएं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो बनाई थी जिसमें उठाया वाला ऑब्सेशन थी तो चुके अब भी तो हम मौजूद हैं। अब मैं क्या करूंगा इसे थोड़ी सी चेंजेस पैदा करूंगा, थोड़ा सा डोर ओपन कर दूंगा ताकि इस डोर ओपन के साथ भी आइडल सिटिंग करे। स्टार्ट में बच्चे क्राई करेंगे लेकिन वो क्राई का खत्म भी हो जाएगा, ट्राय नहीं दूंगा क्योंकि ट्राय शुरू में ही देना है। पेरेंट्स से ये गलती हो जाती है उसको ऑब्जेक्ट्स वगैरह बाकी सारे हल्का सा भी वो आगे की तरफ हुई मैंने उसको पीछे की तरफ कर दिया। क्राई करेगा बच्चा लेकिन आपने प्रशार का कहें हाय बच्चा है इसको छोड़ दो उसको क्राई क्यों करा रहे हो, कोई सिखाना नहीं तो है। 12-12 साल 15-15 साल 18-20 साल के टीचर एचडी कर रहे होते हैं चीजें काम नहीं करते हैं इसके पेपर बाद में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करानी है, बहुत कुछ कराना है आर्टिस्टिक बच्चे का तो ब्रेन को बहुत कुछ कराना है। जब से पैदा हुई आर्टिस्टिक है मुझे पता है क्योंकि मेरा तजर्बा इतना हो गया अभी 40,000 से ज्यादा बच्चे को मैं 5 साल में देख चुका हूँ, चाहे वो मेरे को फोन पे रब्ता करते हैं चाहे वो मेरे से व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे फेसबुक पेज पे। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को ठीक किया तो इसलिए इन पे काम करने के लिए मेहनत बहुत करनी है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना अपना घर है ना तक उसको बैठना चाहिए, कोई मैं स्ट्रेंजर के घर में थोड़ी बिठा रहा हूँ, जब से पैदा हुई इसी घर में रह रही है, अपने घर में भी अगर उसे बैठते हुए तकलीफ हो रही है हम बाद में उसको आउटडोर में भी कराते हैं जहाँ पे चेंज ज्यादा होती है, पहले हम अपनी जगह पर अपने घर में अपने कमरों में उसकी कंप्लाइंस कराते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ दो तरह के डिसऑर्डर पे दो जगहों पे डिसऑर्डर पे काम करते हैं, पहले उसकी अपना हम उसी बिल्डिंग में जिस बच्चे बिल्डिंग में बच्चा रह रहा है उसमें और उसके बाद फिर हम उसकी डिफरेंट बिल्डिंग्स में भी रोड में भी या किसी पार्किंग लॉट पे भी या पार्किंग एरिया में भी या किसी पार्क में किसी के घर में किसी के मॉल में वहाँ पे भी हम अगर बच्चे को उठाएं पहले सिटिंग कराएंगे बाद में आइडल स्टैंडिंग होगी, पहले इंडोर से कराएंगे फिर हम आउटडोर से भी कराएंगे। तो इस अंदाज से हम बार 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 देखेंगे माशाल्लाह मैं कह तो लेट जाए बेशक लेकिन बैठे तो सही एटलीस्ट ताकि उसको उसको मैंने कराया करना मैंने मुझे
फिर मैंने उसको टॉय भी दिए थे, उसने खुद फेंके हैं, खुद फेंके हैं। हालांकि उसको इसके साथ ऑब्सेशन था, सेशन था, तो इसने ड्रॉर के साथ ओपन करके इसके साथ खेलने लगी थी। जब आपने स्टार्ट में वीडियो में देखा होगा, फिर उसने फेंके क्यों? अगर उसने फेंके हैं तो आइडल सिटिंग है। यानी जब बच्चा टॉय का, अभी थोड़ी देर बाद चुप्पी हो जाएगी, लेकिन हमें स्टैमिना चाहिए। हमें ये नहीं, हाय बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, अगर रो रहा है थोड़ा सा रो लेगा तो कोई बात नहीं, उससे वो सीख भी रहा है। अगर किराए के साथ लर्निंग है तो सीख रहा है इंसान। अब देखिए जितना आप उसका रेपिटेटिव है कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी देर बाद पहले वो एक चेयर पे बिठाएंगे, पहले हाइट वाली चेयर पे, बाद में दूसरी चेयर, सब चेयर पे बिठाएंगे। तो लगे हम उसका फर्स्ट डे है, पहले वो अपनी मर्जी से बैठती थी, हमारी इंस्ट्रक्शन भी करती थी, लेकिन समटाइम हमारी बात मानती थी, समटाइम नहीं मानते। आर्टिस्टिक बच्चे और नॉर्मल बच्चों में फर्क है, समटाइम्स वो हमारी बात मानते हैं, समटाइम नहीं मानते। जब से पैदा हुई है माशाल्लाह, तब से इस पे काम हो रहा है, अब प्रॉपरली तरीके से किया जा रहा है माशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि ये वर्ड्स बोले, ताकि स्पीच करे, बाकी बिहेवियर इसके ना हो। अच्छा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हमारे आर्टिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, मेरे पास 90% पेरेंट्स ये सोच देते हैं कि इसको स्पीच का इशू हो, स्पीच का तो है, इसके अलावा भी इसको इनको इशूज होते हैं जिसमें उसके बिहेवियर इशूज हैं। मैं कहता हूँ बिठाओ, बैठता क्यों नहीं, उसमें कौन सी स्पीच चाहिए? आप अपने घर में बिठाएं, अपने घर के किसी भी चेयर पे बिठा दें, हाइट वाली चेयर पे, फिर छोटी चेयर पे बिठाएं उसको, रेंडमाइज करें ताकि उधर भी बैठे। स्पीच तो एक डिसऑर्डर है, 1,00,000 डिसऑर्डर होते हैं इन बच्चों के, आर्टिस्टिक बच्चों, उनमें से एक डिसऑर्डर स्पीच का है, बाकी जो 99,999 डिसऑर्डर है उनमें भी तो काम करना है, जिसमें सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपी है। इस चीज को होल्ड करो, चीज को लेके आओ, चीज को रख के आओ। अब देखो कितने भी ऐसे ऐसे करके वो टांग मारी, अपने घर में अपने मदर ही बिड़ी है, समझो वीडियो बना रही है, इसकी मदर ही बना रही है, तो क्या हो गया? उसके इसके भाई बहन भी इधर साथ बैठे हुए हैं, पता उसी घर में पैदा हुआ। अगर मैंने उसको चेयर पर अपने घर में चेयर पर बिठा दिया तो क्या हो गया? किराए करेगा बच्चा शहर में, ये आप सोचे कि बच्चा किराए के बगैर लर्न करे, ये पॉसिबल नहीं है। उसको आदत नहीं है, उसको सेंसरीज है, उसको ऑब्सेशन है तमाम सेंसेस के। तभी तो वो फीडर नहीं लेती थी, तभी तो वो नेल मुझे कटिंग के लिए हर दफा कराया करते हैं, माशाल्लाह इसकी नेल कटिंग करते हैं तो आराम से स्मूथली करा दिया, क्योंकि मेनी टाइम उसको मोर देन 100 टाइम उसके नेल्स काटे होंगे, क्रशे होंगे हमने, यानी उसको जब बिल्डिंग से घर से वो फेमिलियर है, उसको कहना चाहिए, माँ भी बोल देता, बाप भी, इतने डिस्टेंस के हिसाब से वो हमें कंप्लाइंस, और जैसे मैं अच्छी कंप्लाइंस देगी, इधर से मैंने ऐसे टच कर दिया, उसके बाद मैं इधर हो गया, अपना डिस्टेंस भी लाजमी क्रिएट करना। कभी आप इधर होंगे, अब इसका किराया खत्म करने गए तो आप इसका रेपिटेटिव आंसू भी निकाल रहे होंगे, हाय प्यारी सी बच्ची माशाल्लाह, सारे बच्चे माशाल्लाह प्यारे थे, हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने उनको सिखाना जरूर, अगर नहीं सिखाएंगे तो मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 28 साल को टीम फ्रेश नहीं करते इतने, और आप खुद भी देख रहे होंगे जब आप किसी थेरेपेटिकल सेंटर में जाते हैं, कहीं देखते हैं बड़े बच्चे आर्टिस्टिक करते हैं, या आपको रोड पे नजर आते होंगे जिनके पाँव में जूतियां नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है, लोग छोटे से 3-3 साल के 4-4 साल के लोग बच्चे वगैरह उनको पत्थर मारे होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर काम नहीं किया होता, उन्हें ना ऑक्यूपेशन थेरेपी दी होती है, ना स्पीच दी होती है, ना उन्हें टीवी थेरेपी, ना उन्होंने इसके जो है डाइट पे काम किया होता, डाइट प्लान को फॉलो किया होता। अगर वो शुरू में ही डाइट प्लान पे फॉलो कर लें तो ये सारी चीजें, सारे बिहेवियर्स खत्म भी हो सकते हैं। देखिए जैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह बैठी, मैं अब क्या करूंगा, ये देखिए मैं अपना डिस्टेंस इधर से इधर फेड करूँ, जब जब मैं फेड करूंगा, थोड़ा सा भी फेड करूंगा, ये क्या कोशिश करेगी कि मैं किसी तरह से वो जो मैं इसको थोड़ा सा फेड करूंगा। आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है, कोई बात नहीं, देखिए मैं इतना डिस्टेंस फेड करूंगा, मादर भी साथ कह रही है, वीडियो बना लीजिए सब। और कई पेरेंट्स को इस पे बुरा भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा इतना कराया करता था, चीखता चला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहाता खुद है, टॉयलेट ट्रेन है, बाहर जाता है, काम करता है, कोई बेल बजाता है बाहर, रोड पूछता है कौन, साथ वाले शॉप पे देते हैं, वहां जाके पैसे गिनता, उनसे उनसे चीज 4-5 ले आता, फिर वापस पैसे गिनता कितने पैसे हैं, उनको देते हुए पता होता उसको पैसे के, पहचान है उसको। अब देखिए मजा, हाँ बिग स्पीड में कराया, फिर थोड़ी देर बाद चुप कर दिया, फिर बिल कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठी तो है ना, कम से कम अपना घर है इसका, अपने घर में भी अगर चेयर में नहीं बैठती, कुछ मैं स्टेज पर किसी और के घर तो नहीं ले गया इसको, जहां पे उसको फेमिलियर नहीं है, जहां से पहले पहले हमने जितनी भी सिटिंग आइडल, सिटिंग आइडल स्टैंडिंग, जितने 1,00,000 के दौड़ रहे हैं, हमने अपने घर में कराने होते हैं। जैसे अपने घर में अच्छा कर लेता है, फिर हम आउटडोर में कराते हैं, उसके लिए मैंने वीडियोज दी हुई है, आउटडोर में भी दी हुई है और इनडोर वाले भी हैं, हर चीज पहले अपने घर में करानी है। आप देखिए माशाल्लाह पढ़ाई भी कर रही है और खेल भी रही है, वो किसी से कह रही है इसके फैब्रिक, अब इसको फैब्रिक के साथ
ऑब्सेशन है उसको, अच्छा फेवरेट बात है, लेकिन बैठी है उसका सब भी उतरने की या किसी भी किस्म की कोशिश करेगी तो मैं उसको उतार भी दूंगा। सॉरी खोल के बैठी बार बार उसको डिसिप्लिन के साथ बिठाएंगे, उसके लेग्स भी डाउन हो। अभी मैं कहता हूँ ये चेयर पे गई तो वो बैठी है, अपनी मर्जी से बैठी, आज मैंने अपने इंस्ट्रक्शन में बिठा रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, मजीद और डिस्टेंस पे करूँगा, अपना जो है थोड़ा सा एक्सेस में भी जाऊंगा, इनविजिबिलिटी में भी जाऊंगा। शाबाश शाबाश बैठो 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 शाबाश। जैसे मैंने उसको टच किया देखे उसको कराया और बढ़ गया, कोई बात नहीं उसको ऐसे करके मैं इनविजिबल हूँ मगर लेकिन मौजूद है। अच्छा ये शुरू में 11-11 महीने तक रोजाना कोई मोर देन 200 टाइम्स खांसी भी करती थी, ये भी इसका बिहेवियर था, कोई इसको खांसी नहीं थी 11 महीने से खुद से। जब वो इसको कोई काम कराते थे जैसे अभी इसे काम कराया जाए, अभी इसने 2 times ने कॉफ किया है, उसको कोई कॉफ नहीं, इसका रेपिटेटिव का स्केप था, आपने इसको इग्नोर करना। अभी तो मैंने ये शुरू से इसके बिहेवियर थे, जब ये हफ्ते की भी थी और कोई गलेगा शुरू, जब इसे कोई काम कराया जाता था जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपनी गोद में बिठाता था, फीडर इसको मिलाना, इसके फीडर से होल्ड कराना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो हम कर सकते हैं, पैदाइश के साथ ही हम बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एबी थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, कर लेनी चाहिए पेरेंट्स। अब देखिए थोड़ी देर देखें वो चुप करके सर दिखा भी देगा थोड़ी देर के लिए, देखिए माशाल्लाह चुप करके बैठी है, ये कंप्लायंस की इसको कहते हैं हम, कंप्लायंस का ड्यूरेशन ये मैक्सिमम पर। देखिए जैसे उसकी करीब माँ आई तो ये थोड़ी सी स्ट्रेट हुई, फिर से रोने लगी, कोई बात नहीं रोना उसका खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने उसके लिए क्या करना है, हमने उसको इस तरह के 2-2 घंटे से कम का सेशन होता ही नहीं है। और जो पेरेंट 1 घंटा 50 मिनट 1 घंटा 40 मिनट का एक देते हैं सेशन, वो गलत सेशन है, 2 आवर से कम का होना भी नहीं चाहिए। इसके इतने बिहेवियर थे, आप देखें जब पैदा हुई थी तो इस पर काम हुआ हुआ है, इतने बिहेवियर थे इसके, इतने बिहेवियर थे, अब तो प्रॉपरली काम हुआ है कि मैंने अब तक मैंने 50,000 से ज्यादा 40,000 से ज्यादा बच्चे मैं देख चुका हूँ और उसमें इतने बिहेवियर मैंने किसी बच्चे के भी नहीं देखे जितना इसके बिहेवियर थे। इतनी अर्ली एज में इतने थे, इतनी स्क्रीम, इतनी शॉटिंग होते, फिर से वो चुप कर गई, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ करते करते सो भी जाए बेशक, कोई बात नहीं, अपना घर है ना जहां पे 1.5 साल से रही है, एक एक चेयर से फेमिलियर बैठती थी अपनी मर्जी से, इस चेयर पे कितनी दबाव बैठी है, किराए करेगा लेकिन किराए खत्म भी हो जाएगा। जब तक इस चेयर पे उसका अच्छे वाला किराया हर टाइम सुबह दोपहर शाम जब जब बिठाएं, इसको खाना भी इधर खिलाएं, इसको पानी भी इधर से, वॉशरूम के लिए इसको ले जाएं या पेपर भी चेंज करना है इधर ही चेंज करें, एक चेयर पे जब अच्छा बच्चा बैठ जाता है फिर हम उसको रेंडमाइज करते हैं सेकंड चेयर थर्ड चेयर फोर्थ। अब देखिए माशाल्लाह वही बच्ची है जो थोड़ी देर पहले थोड़ी भेजे, थोड़ी देर बाद चुप हुई, थोड़ी देर बाद फ्राई कर लेंगे, जैसे जब वो हल्का सा भी किराया करे वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे है। 1.5 साल से वो अपनी मर्जी से भी बैठते थे और हमारी इंस्ट्रक्शन भी करते, लेकिन ज्यादातर वो अपनी मर्जी से हमारी इंस्ट्रक्शन भी करते, लेकिन पार्षद आज उसको मुस्तकिल 100 टाइम यानी 100% उसको मैं अपनी कंप्लायंस में करा रहा हूँ, उतना नहीं है तो आई मैंने इसको दिए थे उसको खाएंगे, वो उसी की फेवरेट थी, फेवरेट ही थी। हम क्या करते हैं यहाँ पे जरूर है तो फिर से टॉय दे दिया, वो चुप तो कर देगा, फिर वो टॉय के साथ चुप करेगा, टॉय के बगैर कभी नहीं बैठेगा। फिर हमने उसको दोनों के साथ बिठाना है, पहले इसके सिटिंग विद टॉय के पैटर्न दिखाया आपको, उसके बाद सिटिंग विदाउट सिटिंग विद टॉय, तो कितनी दफा इसको 1.5 साल से टॉयज के साथ ही बिठा, पहली दफा उसको उसके बगैर भी बिठाया जा रहा है ताकि इसके बगैर भी ये बैठे, और उसके बाद जैसे ही अब चुप हो गए फिर हम वीडियो को एंड भी करेंगे, 2 घंटे बैठे जा रहे हैं हम, जी इसको ही नहीं, हम देखिए उसको भी दिखा देंगे माशाल्लाह उसका। अब वो क्या करिए उसके लिए ऑब्सेशन क्या, ये जो इसको ये दिया देखो मुंह में डाल दिया, माउथिंग भी ये बहुत करती थी। अब देखिए इसने इसको जो मुंह में डाला, मैं क्या करूंगा इसका ये फैब्रिक है जो नीचे है ये मैं इसको निकाल लूंगा, क्योंकि इसको इसने माउथिंग भी बहुत, हर टॉय को मुंह में डाल दी, टिप टो वॉकिंग, भागना दौड़ना बहुत ज्यादा, और अभी भी है इसका, मैंने उसको निकाल दिया, जैसे उसने मुंह से माउथिंग की तो मैंने उसको वो कर दिया जी, तो उसके जो है अंदर है ना क्या कहते हैं मेमोरी कार्ड में खत्म हो जाएगा तो उसमें ठीक होगा। अच्छा जी जैसे मेरी उसमें स्पेस कम हो रही है अभी आप उसको दिखा दें, मैं अगली वीडियो इसी के साथ ही अच्छी बैठने वाली भी दिखाऊंगा कि अच्छी भी आराम से बैठ सकते हैं। आप उसको किसी से है मोदी अपने कपड़े से मोदी नहीं करने दूंगा, ये हमने खास करना, ये आता है ये डिसऑर्डर बाद में है,
भी स्टार्ट में मैं नहीं, वो बोधिंग भी हर चीज को मुंह में लेती थी, हमने उससे भी काम किया है, लेकिन सम टाइम वो बैठ मानते थी बात समझ, अब हम हर टाइम उसको अलहमदुल्ला करा रहे हैं। खेल है जी, हम देखिए वो क्या करता होता है, मैं कुशन उठा के मैं कुशन से कहूँ, जब कुशन से चके किसी को भी फेंक देगी तो फिर मैं कुशन भी ट्रिक रखूंगा पीछे। जी जी, जब ये वीडियो इसकी स्पेस खत्म भी हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ बना लेंगे, तो अभी जल्दी ना ये वीडियो, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि इस तरह से देखिए वो कुशन से गए, थोड़ी देर बाद उनसे कुशन मिले, चूंकि वो भी इसको एज ए टॉय ले रही है, चूंकि हमने उसको आइडल सीटिंग करानी है, स्टार्ट में मैंने उसको दिया, अब देख लो अगर ये इसको गिरा दे, गिर गया अब मैंने नहीं देना, जो जो चीज ये गिराएगी मैंने इसको दोबारा नहीं देना, जैसे उसके कपड़े से गिरा बहुत ही गर्म, मैंने कपड़ा भी ले लिया जो फैब्रिक नीचे पिछड़ा था, लेकिन फिर थोड़ी देर उसे चुप किया, उसके बाद फिर से कराई करने लगे, कोई बात नहीं। कोई इसको भूख नहीं है, आपके सामने इसने फीडर माशाल्लाह पूरा पिया भी है, हम कहने इसको भूख लगी होगी, इसने बोला पैंपर पहना हुआ है इसने, इसने यूरिन और स्टूल पास करना है, कर लो पैंपर के अंदर दूध उसको मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जब जब वो जब जब अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस अंदाज से हम उसको स्टार्ट में, बच्चा मेरी ये बेटी बहुत कराई करती थी, शदीद करती, ये तो भी कम कर रही है, वरना इसने जो पैदाइश के बाद से छीटिंग कराई तो ये ऐसे कड़ा लेते थे, ऐसे करके मैं उसको ऐसे करके सेट करता था, लेकिन ये कड़ा लेते थे, और जब ये मैट्रेस नीचे बिछा के ये लेटी होती थी, मैंने इसको कोई टच नहीं करता, जब वो इधर उधर छह महीने के बाद जब इधर उधर देखती थी तो मैं भी ऐसे हो जाता था, आई टू आई कॉन्टैक्ट ले जाता, फिर ऐसे हो जाता, फिर ऐसे हो जाता था, लेकिन वो हर दफा चीखती थी कि मेरी आंखों में देख क्यों नहीं रहा, चूंकि वो आई कॉन्टैक्ट, इनको आई कॉन्टैक्ट के भी डिसऑर्डर होते हैं बच्चों को, सबसे पहले हम जो आई टू आई कॉन्टैक्ट लेते हैं, कॉर्डिनेट टू कॉर्डिनेट जिसको हम आई कॉन्टैक्ट लेते हैं, उसके लिए बहुत सारी वीडियोज है, इसको इतना करते हैं, इतना कभी मेरी आंखों में ना देखो, इतना शरीर कराए करते रहते हैं, बैठी है देखिए इधर उधर भी छेड़ी है, अपना करें कोई बात नहीं, लेकिन उसको बैठना चाहिए, अपना घर है, अपने घर में भी अगर वो पहले एक चेयर पे अच्छा बैठेगी तो हम जब तक एक चेयर पे एक्सेंट में बैठ ना जाए तब तक हमने उसको इस पे काम करते रहना, तब तक हमने चेयर को नहीं मारते, उनसे क्या किया दूसरी चेयर को जरा हाथ लगाया, मैं अब दूसरी चेयर इसके लिए एज ए टॉय होगी, मैंने उसको भी साइड में कर दिया, बाकी किसी भी चीज को, हाँ अभी वो आर्म्स को पकड़ी कोई बात नहीं, इस चेयर पे कोई बात नहीं, बाद में इसके जो हैंड्स होंगे वो थाइस पे भी होंगे, मैं अपने बेटे को भी अलहमदुल्ला करता हूँ, बहुत से लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, आए बच्चा छोटी सी बच्ची है इसके ऊपर क्यों कर रहे हो काम, भाई अगर मैं ना किया होता तो आज मेरा बेटा भी ठीक ना हुआ होता, मैं तो सारे फेज से गुजर चुका हूँ, हर तरह के फेज से गुजर चुका हूँ, तो इस अंदाज से हमें बार 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 अगर हम इन पे काम करेंगे तो ये बच्चे देखिए माशाल्लाह वो माउथिंग उसके साथ कर रही है, मैं उसको क्या करूंगा फिर से उसको ये माउथिंग नहीं करने दूंगा, बाइट करने की कोशिश करिए, मैं आपको बाइट नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये आपको पता है बाइटिंग बिहेवियर होते हैं, जिस जिस चीज में बहुत पहले माउथिंग होता है उसे भी रोकना और बाइट से भी रोकना है, बाइट भी वरना ये जो बात है कहते हैं जो मेरा बच्चा बाइट बहुत करता था, अगर स्टार्ट में ही उसे बाइटिंग और माउथिंग से रोक दिया जाए तो नहीं करेगा कभी भी, मास्टर बैठे अब आप भी जरा बात दिखाएगा बात जैक्सन में जरा थोड़ी एलिजिबिलिटी में, देखिए माशाल्लाह बैठिए कराए है वो खत्म हो जाएगा ऐसा ऐसा करके, हल्का सा भी वो इधर उधर जो कुछ भी करेगी तो मैं क्या करूँगा सेट करूँगा, कोई बर्बल नहीं बोलना कुछ भी नहीं देना कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है कढ़ाई करेगी, उसने तो बहुत कढ़ाई की है, तो फीडर से बोल तो उसको हम उठा ही नहीं सकते जब से पैदा होती हमारी गोद में तो शरीर कराई गोद में कढ़ाई करती थी तो मुझे इतना सेंस नहीं दिया उसको, मतलब रीड पे इतना कराई करते थे लेकिन बार बार कराया गया, बाद फर्स्ट डे है ना इसका कोई बात नहीं, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट डे जब भी आप काम करते हैं तो बच्चा कराई करता है, अगले दिन और काम करेगा, अगले टू आवर्स में और काम करेगा, लेकिन आपकी अगली दफा जब मैं इसको बिठाऊंगा तो टॉय के साथ नहीं बिठाऊंगा, अभी तो आइडल सेटिंग बिठाऊंगा अगले टू आवर्स में, सीख लेंगे, लेकिन हमें स्टैमिना चाहिए, हमें हौसला चाहिए पेरेंट्स को, तो क्या होगा कल को बुरे वक्त से बचने के लिए जो इंडिपेंडेंट बच्चा लाइफ नहीं गुजार पाता ताकि इंडिपेंडेंट गुजार सके, हम इस पे काम देंगे, जब भी ऐसे ऐसे कहा मैंने उसका कर देना, एंड में मैंने इसको उठाना भी है, मैंने उसके बाद उसको प्यार भी करना सब कुछ करना बात भी करनी होगी, उससे पहले जब उसकी हो रही है तो उसको सिटिंग 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 पहले सिटिंग आइडल सिटिंग करानी है बस,
अभी तो मैं एक्सेस में गया, एलिजिबिलिटी में गया, मैं इधर से उधर उधर से इधर, ताकि उसको बैठना चाहिए, आप भी आगे जरा बैठ जाए इधर, सुन लेके उसको दिखाते ना बच्चे को। ताकि हमारी प्रेजेंस में पहले अच्छा बैठेगा तो हम एक्सेस। डिस्टेंस ट्रेनर्स की भी तरतीब, ऑटिज्म में जब तक हम तरतीब को फॉलो नहीं करते तब तक हम इन बच्चों को इम्प्रूव कर नहीं सकते। पहले प्रेजेंस में अच्छा, अब हम बैठे हैं मौजूद है कमरे में, इनका एक कराए भाई, मैंने तो टॉय भी दिए थे उसने, खुद बह गया, खुद बह गए तो भिटी का आइडिया सीटिंग है। इसलिए जब बच्चे का हाँ अच्छा, जब ये जब तक ये आइडियल सीटिंग सीख नहीं लेते लेती बच्ची, तब तक हमने इसको टॉय नहीं देना। और जब टॉय देना फिर उसको उस पर काम भी करना, मोटर स्किल्स पे, इसको ऐसे जोड़ो, इसको ऐसे खेलते हैं, इसको ऐसे फिक्स करते हैं, सारी चीजें हमने बाद में सिखा। देखिए माशाल्लाह उसको आ चुका है, देखिए जूं ही मुंह के अंदर मौत दे, अपने आप को बाहर करने की कोशिश करती है तो मौत दे हुई करती है। और भाई भी मैंने उसको क्या किया, कोई वर्बल नहीं बोला, ये भी नहीं, क्योंकि वो मेरा करंट डिसऑर्डर है ही नहीं। जब भी आप करंट डिसऑर्डर पे काम करें फिजिकली काम करें, फिजिकल काम पे तो फादर ऑफ ऑल मैं इसको फिजिकल काउंट से करा लेगा। अब देखिए अपने वो कपड़े से खेलिए, अपने वो निकर से खेलिए, कोई बात नहीं, ये पोनी तक नहीं बनाने देती। देखिए माशाल्लाह उसके अब सेंचुरी पे काम हुआ है, कटिंग नहीं करने देती, सेंसरी पे काम हुआ, चूंकि पहले टच के सेंसरी पे हुआ। हमने सारे इसके जितने बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर उसी वक्त ही खत्म हो सकते हैं जब आपके अंदर पेरेंट्स हौसला होगा कि बच्चा कराए करेगा, कराए के बाद खत्म भी हो जाएगा, खत्म भी होगा, आपके सामने होगा खत्म। अभी बिट्स में खत्म हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद चुप करती है, फिर उसके बाद याद आता है मैंने नहीं रोना था। चूंकि जब ये बच्चे कराए करते हैं तो रेपिटेटिवली कराए कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे ये गलती कर बैठते हैं पेरेंट्स, तरतीब में एकेडमी का सबसे लास्ट में जाता है, हम एकेडमी पहले कराते हैं, इसलिए पार्शल तो बच्चा सीख लेता है लेकिन अच्छा स्मूथली। मेरे पास आपने बच्चे देखोगे कोई स्टिमिंग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, चूंकि तरतीब से काम करता हूँ। 1.5 साल हो गया मेरे पास बच्चा आ रहा है जिसकी स्पीच पे अहमद के ऊपर काम होने लगा है, तो अभी तक मैंने उसके एकेडमिक वाला पार्ट स्टार्ट नहीं किया, 1.5 साल भी नहीं किया। और हम पहले कर लेते हैं जो चीज तरतीब में बाद में आती है वो हम पहले कर लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ देते हैं। अब देखिए उसका जो अब ये कराया है ये रेपिटेटिव कराया है, कोई ऐसा कराया नहीं है री 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 उसकी चल रही है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैंने बैठना है। उसको चीजों के साथ ऑब्सेशन, साइड के भी ऑब्सेशन है, उसको टच के भी है, लेकिन उसको बैठे रहे हो, इससे उसका फोकस भी बढ़ेगा, सब चीजें बढ़ेगी। जब वो माउथ ही करेगी मुंह में डालेगी वो मैंने उसको नहीं करने देना, जैसे अभी दुपट्टा मुंह में डालना है अपने, सॉरी फ्रॉक मुंह में डालने लगी तो मैंने उसको नीचे कर दिया फैब्रिक को, इस पे उसने ज्यादा कराया करना कोई बात नहीं, हाथ में पकड़ लिया कोई बात नहीं, मैंने उसको मुंह को तो नहीं ले जाते, उसने रेपिटेटिव बना लिया, मैंने इसको मुंह में डाला क्यों भाई, मॉडिंग हमने इसकी मॉडिंग पे भी साथ साथ फिजिकली काम करते रहे, सिटिंग तो चल ही रही है। आज फर्स्ट डे है, कराया ज्यादा है, अब नेक्स्ट टू आवर में उसमें काम होगा, मैं दिखाऊंगा इसी चेयर पर बैठी होगी, आज पहला दिन है। मैंने उसके आंसू भी साफ किए, उसके साथ उसकी फैमिली बता दी, पहले तो बहुत यानी चले स्टार्ट होगा, अभी भी कराई करी है लेकिन पहले बहुत करती थी, जब पैदा हुई शदीद करती थी, कोई बात नहीं सिखाना तो है। ये भी इसका रेपिटेटिव है, मैंने पूछे आंसू निकालने हैं तो ब्रेन कहता आंसू निकाल, आंसू निकालो, ताकि मदर पेरेंट्स में सिंपथी अभी भी है लेकिन सिंपथी लर्निंग के साथ अटैच है। फिर से थोड़ी सी कंप्लाइंस, जब जब बच्चा चुप हो जितने सेकंड के लिए चुप हो रहा है समझे वो आपकी कंप्लाइंस है, और जब वो रो रहा है तो समझे वो रिस्पांस है, ये कंप्लाइंस है। बैठी हुई इस अंदाज से देखें, उसका रोना थोड़ी देर के लिए चुप भी हुआ तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसकी फिर वीडियो जैसे ही होती है, चूंकि स्पेस जैसे ही इसकी मैं बनाता हूँ इसकी तो क्वान्टिटी में, तो वो भी दिखाऊंगा आराम से बैठी हूँ, कि मैं रूम से बाहर भी चला जाऊंगा तो एब्सेंस में भी मेरे प्रेजेंस भी बैठे तो एब्सेंस में बैठेगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा, अभी जरा इसको दिखाएगा
तो आप भी अपने बच्चों पे खूब मेहनत करें, परेशान ना हो। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, इस हद तक तो फिक्र रखेंगे, कम से कम आपको मेहनत करके इन बच्चों को सिखाना है। तो अगर आप इन बच्चों को सिखाएंगे और उनको चलाएंगे तो ये बच्चे चला अच्छा काम होगा। मैं इसको जब तक इसको नहीं उठाऊंगा जब तक ये 2 घंटे मेरे कम्प्लीट नहीं हो जाते, तो वीडियो तो इतनी देर में बना नहीं पाऊंगा। तो जरा आपको दिखाना चाहूँगा बच्चा कराई भी करता है, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं जब भी डिसऑर्डर पे काम करते हैं कराई करते हैं, लेकिन उनका कराई खत्म नहीं हो जाता है। जब जब भी वो देखे मुझे करते हैं, मैं आंसू बहाऊंगी, मैं बुलाऊंगी, मौत ही नहीं करने दूंगा उसको। ठीक है, क्या उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप भी अपने बच्चों पर खूब मेहनत करें तो आपके बच्चे भी इम्प्रूव और रिकवर होंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हमेशा से रहे। अल्लाह हाफिज़।